बेरिन कन्वेंशन, इसमें जो है कॉपीराइट के लिए दिया गया था। बेरिन स्विट्जरलैंड में पहली बार में आया था इसमें 19 सितंबर 1886 को, ठीक है। इसमें 168 पार्टीज ने पार्ट लिया था और इसमें 38 आर्टिकल्स आए थे। ये विपो ने करवाया था जिससे कि जो लोग हैं उनको उनके इन्वेंशंस के लिए या फिर जो कलाकारी होती है उसके लिए उनका उन्हें उनका फल मिल सके। इसका मेन एम ये था कि जैसे कि कोई भी नया डिस्कवरी कर रहा है कोई इंसान या फिर कोई म्यूज़िक बना रहा है तो उसको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि उसे पैसा नहीं मिलेगा तो इंसान काम क्यों करेगा, वो बंद कर देगा काम करना। ये फ्रेंच में हुआ था, फ्रेंच लैंग्वेज में, इंग्लिश में हुआ था, अरेबिक में हुआ था, जर्मन और इटालियन में सबसे पहली बार में जब हुआ था तब। ये सबसे ओल्डेस्ट ट्रीटी है इन द केस ऑफ मतलब कॉपीराइट में। तीन प्रिंसिपल दिए गए थे इसके अंदर। एक था नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में ये था कि मतलब कि आपको दोनों जैसे फॉरेन का इंसान और आपका अपने देश का इंसान दोनों जो नए जैसे बाहर वाले ने बनाया नया और एक अंदर वाले ने नया बनाया, ठीक है, तो उन दोनों को आप सेम ट्रीटमेंट दोगे। ये नहीं कि आप अपने घर अपने जो देश का इंसान है उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दो बाहर के, बेकार मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि मतलब कि आप जो बंदा नया इन्वेंशन कर रहा है उसको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी, वो इंसान आके प्रोटेक्शन लेगा। इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन मतलब कि हर एक इंसान के पास इंडिपेंडेंस है। अगर कोई बंदा नया इन्वेंशन कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो आके कॉपीराइट ले सकता है, इसमें पार्ट लेगा। और ये तीन प्रिंसिपल हैं इसके, प्लस ये ओल्डेस्ट ट्रीटी है इन द इसमें कॉपीराइट में। प्लस इसका मेन एम यही था कि जो भी इंसान नया इन्वेंशन कर रहा है उसे उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो चीज़ जो उसके नाम से होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी को कॉपी कर लेगा तो फिर वो इंसान मेहनत करना बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए इंसान जैसे कि कॉपीराइट देता है उसका नाम होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया, पॉपुलैरिटी मिलती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बेरिन कन्वेंशन लाया गया था जिसमें कि कॉपीराइट का पहला मतलब वो लाया गया था। कॉपीराइट मिलना चाहिए और जो इंसान ने बनाया है उसको ही उसका नाम से जानना चाहिए और फाइनेंशियल बेनिफिट भी उसी को मिलना चाहिए। तो इसका मेन एम यही था। बाकी का इसका वीपो ने किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ये थी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसने इसको डिज़ाइन करवाया था जो कि एक यूएन की कंपनी, ये एक यूएन का वो है। बाकी सब इसमें कुछ है नहीं, ले लो।